हाउ टू मेक कार्टून वीडियो, मैं कार्टून वीडियो कैसे बनाऊं कि मुझे आसान तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा बने रहेगा, ए टू जेड बताने वाला हूँ स्टोरी कैसे लिखूंगे दोस्तों, और उसमें इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन कैसे डालूंगे, दोस्तों स्क्रिप्ट कहाँ से लूंगे, इस वीडियो में पूरा बताने वाला ताकि दोस्तों आपको आसानी से एक्सप्लेन से समझ में आ सके। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखिए तो दोस्तों 100% में श्योर हूँ कि आप आसानी से इसकी एडिटिंग भी सीख जाओगे। और दोस्तों सबसे पहला मेन टॉपिक होता है उसकी एडिटिंग। दोस्तों अगर आप कार्टून वीडियो कितना भी बना लेंगे तो आपको वाटरमार्क अगर शो हो गया दोस्तों तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपको दोस्तों ए टू जेड उसमें मालूम है कि उस आपको कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपका वाटरमार्क भी रिमूव हो जाएगा। इस वीडियो में पूरी ये भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपका कुछ भी नहीं आएगा। आपको दोस्तों क्रोमाटो से वीडियो नहीं एडिट करना है, आपको सिर्फ आप मैं जो बता रहा हूँ वही करना है। तो दोस्तों चलते मोबाइल की होम स्क्रीन, पूरी स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, चलते मोबाइल की होम स्क्रीन की और जानते हैं पूरी डिटेल्स। तो वीडियो को पहले देखते रहिए, इस एप्लीकेशन से कैसे आप एनिमेशन वीडियो बनाएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इस एप्लीकेशन से किस तरह का एनिमेशन आप वीडियोस बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और आपको मैं एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि मैं आप लोग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो, तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो जो कि एक प्रोफेशनल एनिमेशन आप बना सकते हो इस एप्लीकेशन से, ठीक है, और वो भी मोबाइल फ़ोन की मदद से। ये सबसे बड़ी बात है भाई। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा बनेगा, तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए, तो आप ही कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपके पास जो भी है चाय कॉफ़ी वो उसको लेकर आप बैठ जाइए, ठीक है। देखो कुछ इस टाइप के एनिमेशन वीडियोस को बना सकते हो, कितना प्रोफेशनल लग रहा है भाई, देखो, ठीक है। उसके बाद और एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्ले करके, ये एक वीडियो है, इस वीडियो को प्ले करके देखो। आप इसमें लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो दोनों फॉर्मेट में आप वीडियोस को बना सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, इससे भी आप बहुत ही अच्छा एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर न्यू कार्टून वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है, कार्टून वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले गाइस आपको एक स्टोरी सोच लेना होगा कि आपका जो एनिमेशन स्टोरी है वो किस टाइप का है, हॉरर स्टोरी है, मोरल स्टोरी है, या कुछ भी जो भी स्टोरी आपने सोच कर रखा है, जिस हिसाब से आप वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको बैकग्राउंड को चूज कर लेना होगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कैसे ऐड करोगे चलो वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ऊपर में थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखो ऐड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर प्री इंस्टॉल आपको कुछ बैकग्राउंड देखने को मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक बैकग्राउंड है, ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, ये एक बैकग्राउंड है, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। तो ये जो बैकग्राउंड देख रहे हैं भाई ये इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। आपको करना क्या होगा, आप कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको बैकग्राउंड जो है बनाना होगा खुद से, ठीक है, और उसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, तभी प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। ये जस्ट डेमो के लिए दिया गया है, तो इसको मैं चाहूँगा कि ना यूज़ करें तो बेहतर है। तो अपना बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ से ग्लरी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप अपना फोटो को चूज़ कर सकते हो और यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मेरे पास अभी कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं जस्ट इसी को यूज़ करूँगा। उसके बाद कलर ऑप्शन है, यहाँ पर कलर ऑप्शन पर क्लिक करके आप कलर बैकग्राउंड भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको बैक करने के बाद आपको बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना होगा, ठीक है, जिस बैकग्राउंड पर आप वीडियोज़ को क्रिएट करना चाहते हो। तो ये बैकग्राउंड है जो कि आप लोग देख सकते हैं, और ये गाइस जो देख रहे हैं यहाँ पर एक स्क्वायर यहाँ पर देख रहे हैं, एक बॉर्डर कटा हुआ है, तो ये होता है कैमरा फ्रेम, ठीक है। मतलब ये जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के बीच में ही आपका एनिमेशन बनेगा, ठीक है। बाकी जो इधर आप साइड में देख रहे हैं ये कैमरा में नहीं आएगा, ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको कहाँ से शुरू करना है उसको आप चूज़ कर लीजिए, तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। मेरा जो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कैमरा फ्रेम को चूज़ करने के बाद देखो यहाँ पर साइड में दो बटन आप लोग देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर येलो बटन और यहाँ पर एक ब्लू बटन। तो आपको यहाँ पर ब्लू बटन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है एनिमेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर स्काई से इसको जूम करने वाला हूँ, जूम करके दिखाने वाला हूँ, तो कुछ ऐसा हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बैक करता हूँ और प्ले ऑप्शन पर चूज़ करके दिखा देता हूँ, देखो कुछ ऐसा मिल रहा है दिखने में, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पोजिशन में कुछ ऐसा होगा भाई, ठीक है। ये जो फ्रेम आपने बनाया है लास्ट फ्रेम जहाँ से बनाया है उस फ्रेम को आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पर आपको कैरेक्टर इनपुट करना होगा, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पर इनपुट करने के लिए यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है इंसर्ट, तो इस इंसर्ट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और जैसे कि शुरुआत में मैंने आप लोगों को बोला कि इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे कैरेक्टर एंड बहुत सारे जो है ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसको यूज़ करके आप प्रोफेशनल एनिमेशन वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है जंगल, मैं आप लोगों को एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिखाता हूँ और साथ साथ इस वीडियो से कैसे एनिमेशन करोगे वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है।
तो जंगल वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको देख सकते हैं बहुत सारे आपको कैरेक्टर एंड यहाँ पर आपको कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर बॉय का है, बॉय हेड का है, चिकन लेग का है, स्टिक का है, ठीक है, डॉग का है, गाल का है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बैक करेंगे तो यहाँ पर फार्म का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और फार्म में गाइस यहाँ पर आपको एनिमेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं हॉर्स है, कैट है, चिकन है, काव है, उसके बाद डोंकी है, ठीक है, डाक है, फार्मर है, उसके बाद हैंड डॉग, ये सारे आप लोगों को कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टिक मैन जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को स्टिक मैन मिलेगा भाई, ये कैरेक्टर कुछ ऐसा शैडो वाला कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर को लेकर आप फनी एनिमेशन वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद यहाँ पर और भी आप लोगों को मिलेगा जो कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हाउस वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा आप यहाँ पर एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो। तो यह तो हो गया इसका ओवरव्यू। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैरेक्टर कैसे इनपुट करोगे। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पर एक बॉय के कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, एक बॉय के कैरेक्टर और यहाँ पर एक गार्ड का कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर को मैं यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो ऑप्शन है ये है मूवर, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को मूव कर सकते हो, इस जगह से इस जगह ले जा सकते हो, और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को जूम आउट एंड जूम इन करा सकते हो। ठीक, ये ऑप्शन पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को मतलब रोटेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पर दिया गया है कैरेक्टर को मूवमेंट करना, ठीक है, मतलब आप इसको वॉकिंग कराना चाहते हो तो वॉकिंग करा सकते हो, टॉकिंग कराना चाहते हो तो टॉकिंग करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, ये देखो, ठीक है, आप देखो ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, अब देखो इस ये कैरेक्टर को मैं इस साइड में कर देता हूँ और ये कैरेक्टर को मैं इस साइड में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कैरेक्टर कैसे वॉकिंग करके आएगा यहाँ तक, तो वॉकिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे करेगा। ठीक है, तो वॉकिंग करने के लिए पहले आपको एक फ्रेम सेव करना होगा, यहाँ से एक फ्रेम सेव कर लीजिए, उसके बाद कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को रोटेट करना है एंड कुछ इस तरीके से हैंड को मूवमेंट करना है। ठीक है, मतलब जैसे वॉक कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देखो इसका लेग को भी कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करना होगा, फिर आपको एक फ्रेम सेव करना होगा, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट करना है, फिर आपको सेव करना है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वॉक करना होगा गाइस, फ्रेम बाय फ्रेम। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगा बट बहुत ही परफेक्ट एनिमेशन वीडियो बनेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ से मेरा वीडियो हो रही है, यहाँ से, तो एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो कितना सुंदर वर्क कर रहा है भाई, इतना प्रोफेशनल तो नहीं हुआ है बट मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो ठीक ठाक है। ठीक है, आप जितना अच्छा यहाँ पर टाइम देंगे उतना अच्छा आना। आप यहाँ पर कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो, अपना खुद का कैरेक्टर अगर आप ऐड करना चाहते हो ना भाई, तो भी आप कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। खुद का कैरेक्टर कैसे आप ऐड करोगे इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं पूरा वीडियो का लिंक दे दूंगा। ठीक है, मैंने 10 से 15 वीडियोस को बनाया है इस एप्लीकेशन के ऊपर कि कैसे आप अपने खुद का बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो, कैसे कस्टम कैरेक्टर ऐड कर सकते हो, कैसे आप इस एप्लीकेशन में वॉकिंग करा सकते हो, टॉकिंग करा सकते हो, आई ब्लिंकिंग करा सकते हो कैरेक्टर में, कैमरा एंगल कैसे चेंज करा सकते हो, सब कुछ मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियोस बनाया है। तो मेरे चैनल पे जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक, आप देखो एनिमेशन करते समय कुछ फ्रेम में अगर आपने गलत कर दिया है, ठीक है, वो सही नहीं है, तो उसको आप कैसे एडिट कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये 10 नंबर फ्रेम में आपने कुछ गलत कर दिया है, तो उसको एडिट करने के लिए आपको सिंपल से एडिट यूनिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप किस कैरेक्टर को एडिट करना चाहते हैं, तो अगर आप गाल को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर गाल को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर गाल का पूरा प्रॉपर्टी आ जाएगा। अगर आप बॉय को एडिट करना चाहते हैं तो बॉय को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर बॉय का पूरा प्रॉपर्टी आ जाएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गाल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गाल को सिलेक्ट करने के बाद अब देखो सबसे पहला है डिलीट, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप गाल को डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ओपेसिटी, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसका ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लिप, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैरेक्टर को फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप रोटेट। उसके बाद एक है चेंज, तो यहाँ पर क्लिक करके आप कैरेक्टर में फेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से इस फेस चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से आप एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अब गैलरी से जो भी अपने फेस को PNG में बना के रखे है उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना होगा, बस हो जाएगा फेस चेंज। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर अप डाउन, ठीक है, तो यहाँ से अप एंड डाउन कर सकते हो। उसके बाद कॉपी आता है, तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आता है ट्विन, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्विन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप फ्रेम को सिलेक्ट करके एंड ट्विन कर दीजिए। ठीक, उसके बाद एडिट फ्रेम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से फ्रेम को एडिट कर सकते हो, यहाँ पर फ्रेम ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो एंड पेस्ट कर सकते हो। कोई भी फ्रेम को अगर आप दोबारा
कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो एक फ्रेम दोबारा पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर अंडू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कोई भी फ्रेम को अगर आपने गलत किया है तो उसको आप दोबारा अंडू रिडू कर सकते हो, ये हो गया। एंड यहाँ पर आपको और भी काफ़ी कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट आइटम वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप खुद का आइटम क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप आइटम ऐड करना चाहते हो, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, ये सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद आपको कहाँ मिलेगा, आपको कस्टम आइटम वाला ऑप्शन पर मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको भी आप कुछ रोल वगैरह दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर एडिट सीन है, इस एडिट सीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर सीन को यहाँ पर रिसाइज कर सकते हो, डिफॉल्ट, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद एनिमेशन स्पीड आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि स्लो, नॉर्मल, फास्ट, वेरी फास्ट, एक्स्ट्रा फास्ट, ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना ऑडियो को ऐड कर सकते हो, म्यूजिक वगैरह जो कुछ भी है उसको आप ऐड कर सकते हो, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एडवेंचर आपको मिलेगा, ठीक है, इसको आप ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड मिलेगा, कि बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। कैमरा व्यू है, कैमरा व्यू आप यहाँ से मतलब लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमाइज कर दीजिए। अगर आप जूम करना चाहते हो किसी कैरेक्टर के फेस पर, उसको आप जूम करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से जूम भी करा सकते हो, ठीक है। ये हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से ये प्ले होगा, जूम होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसलिए इतना अच्छा मैंने नहीं बनाया है। तो आप चाहे तो गाइस और भी प्रोफेशनल तरीके से एडिट करके आप अच्छा एनिमेशन वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस एप्लीकेशन का ओवर व्यू। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन से वीडियो बनाकर कैसे आप अपने गैलरी पर सेव कर सकते हो, ठीक है। कैसे सेव करोगे, सेव करने के लिए आपको ऊपर में 3 जो लाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो मिल जाएगा एक सेव प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को अगर आप सेव करना चाहते हैं इसी एप्लीकेशन में, आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं अपने गैलरी पर, तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखकर सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा प्रोजेक्ट में, ठीक है। दोबारा इसे ओपन करके एडिट कर सकते हो और बना सकते हो। एंड इसको अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, गैलरी पर सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एंड सेव एस वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है, और ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव हो चुका है। एंड सेव होने के बाद मैं आप लोग को गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ कहाँ पर सेव हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और ऐसे प्ले हो रही है ये। अगर आप अच्छी तरीके से वीडियो को बनाएंगे ना भाई, तो कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि आपने मोबाइल से एनिमेशन वीडियो को क्रिएट किया है। सबको लगेगा कि आप बड़े सॉफ्टवेयर से आप वीडियो क्रिएट किया है, कंप्यूटर से किया है, ठीक है। देखो कितना सुंदर ये वीडियो, देखो कितना सुंदर ये एनिमेशन हो रही है भाई। तो आपको भी गाइस कुछ इस तरीके से करना होगा, तो इसके लिए गाइस आपको सीखना होगा कि इस एप्लीकेशन से आप कैसे वीडियोस को बना सकते हो, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में मैंने 10-15 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को देखो, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया है, और सीखो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, एंड इस एप्लीकेशन को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन का नाम है गाइस ड्राइंग कार्टून 2। ये एप्लीकेशन फ्री नहीं है, एक पेड एप्लीकेशन है। अगर आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो भाई आपको पैसा पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो को क्रिएट नहीं कर सकते हो। बट आपके लिए आपका भाई इस एप्लीकेशन को फ्री में देने वाला है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करो, यूज़ करो, तो है ना भाई ये वीडियो कमाल का। तो चलिए गाइस, आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करो, बार बार मैं लाइक करने के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए बाय बाय।